आइए थोड़ा खड़े होकर हाथ सब उठाकर प्रभु को स्तुति कीजिए। हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। सब लोग ऊपर हाथ उठाते हुए तालियां बजाते हुए और मेरा एक गीत गाएंगे, प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, 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 सबके माली यीशु भगवान, सबके माली यीशु भगवान, उसको धन्यवाद जो दिल का मेहमान, उसको धन्यवाद जो दिल का मेहमान, धरक लगन मस्त मगन नाम सुमर ले, धरक लगन मस्त मगन नाम सुमर ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से, बुला के प्यार से, बैठिए। अभी कैसा था पाला का प्रवचन, अच्छा लगा? कैसे गडरिया का आवाज है, बोलिए सब लोग। हाँ, गडरिया का आवाज कैसे है? अभी रिट्रीट के बाद आप घर जाएगा तो ऐसे बहुत याद आएंगे आपको। ए? रिट्रीट कैसा रहा? अभी हम एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, बहुत खास बात सुनने वाला है, पवित्र आत्मा के बारे में। हमारा विषय अभी है पवित्र आत्मा। लेकिन देखो, पिता एक व्यक्ति है, पुत्र भी एक व्यक्ति है, समझने के लिए आसान है ना, पिता है पुत्र, लेकिन पवित्र आत्मा व्यक्ति है क्या? हमेशा हमें ये एक शक होता है, पवित्र आत्मा व्यक्ति है क्या? वो तो आत्मा है वो तो पानी जीवन जल है, वो आग है, वो कबूतर है। तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए, ईश्वर जो पवित्र त्रिएक ईश्वर, उसमें पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। ये हमारा विश्वास, आज हम ईसा के द्वारा विश्वास मंदिर को जो गाना का रूप में किया तो बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। स्वर्ग चढ़ा प्रभु जी, तो विश्वास मंत्र में हमें
या हम विश्वास करते हैं धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरा दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है, वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह कौन है? वह सत्य का आत्मा है जो पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है और जीवन दादा है। जीवन दादा है। तो ये जीवन दादा मतलब कैसे होता है? जीवन दादा मतलब संसार के सब जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा ही बना है और वो पवित्र आत्मा क्या तुम नहीं मन में क्या है? एक मार देना। क्या आपको ये नहीं मालूम है? आप पवित्र आत्मा का मंदिर दे दो, दे दो एक थप्पड़ दे दो। क्या आप ये नहीं मालूम है? आप पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो आत्मा पावन आत्मा अंतर्यामी परमात्मा तेरा निवास है मेरे हृदय में, बस जाओ मुझ में, बस जाओ मुझ में। देखो 33 साल का पहले मैंने लिखा हुआ ये गीत अभी मैं स्वयं आपके साथ गाते हैं। आपके पास गीत का किताब में बहुत सारा गीत होगा लेकिन वो लिखा हुआ व्यक्ति के साथ आप अभी तक नहीं गाया होगा, है ना? ये मुझे भी बहुत खुश है। वो आत्मा पावन आत्मा अंतर्यामी परमात्मा, वो आत्मा पावन आत्मा अंतर्यामी परमात्मा, मैं तेरे निवास है मेरे हृदय में, बस जाओ मुझ में। देखो उसके बाद जो दूसरा स्टेप, जीवन जल का स्रोत मुझ में बहा दो। ये ईश्वर का वचन है संत योहन का सुसमाचार में अध्याय 17 नहीं अध्याय 7। हाँ ये मिला जल्दी मिल गया 37 बराबर है 33 में लिखा है पर्व के अंतिम और मुख्य दिन ईसा उठ खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा। देखो ऊंची आवाज से कैसे कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आओ, जो मुझसे विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है उसके अंदर स्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। उन्होंने ये बात उस आत्मा के विषय में कही जो उनमें विश्वास करने वालों को प्राप्त होगा। मुझे ये बहुत महसूस हुआ कि पवित्र आत्मा हमारा हृदय में निवास है। तो उसके पहले मैं प्रार्थना करता था,
हे पिता पवित्र आत्मा को भेजिए, आओ पावन आत्मा आओ, ये सब वो तो आएगा जरूर, लेकिन एक ईसाई होने के नाते, अगर एक गैर ईसाई होने के नाते भी पवित्र आत्मा हर एक इंसान में निवास है, और खास करके जो बापतिस्मा ग्रहण किया और संस्कार सब ग्रहण किया उन लोगों पर पवित्र आत्मा निवास है। तो प्रभु ने देखो प्रभु क्या कहा है, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए, जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उनकी अंदर स्थल उसकी अंदर स्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी, अंदर स्थल से। इसलिए हम लोग आते हैं पावन आत्मा अंतर्यामी, है ना सब लोग, पावन आत्मा अंतर्यामी बरसा दो अपना प्रेम बस। तो ये प्रभु पवित्र आत्मा अंतर्यामी प्रभु है। अच्छा अभी और दूसरे एक पवित्र आत्मा का बहुत सारा सिंबल है, पानी आग जैसे पवित्र आत्मा का चिन्ह है, उसको बहुत मतलब है। एक चिन्ह है कबूतर, है ना कबूतर, कबूतर देखो एक कबूतर बहुत अच्छा चिन्ह है। एक कबूतर उड़ना चाहिए तो क्या क्या होगा, पहले उसका पंख फैलाएगा, और पंख फैलाकर ऐसा करेगा तो कबूतर उड़ेगा। क्या आपको मालूम है जो हवाई जहाज जो एरोप्लेन इन्वेंट किया जो साइंटिस्ट शास्त्रज्ञ उन लोग का नाम है राइट ब्रदर्स। उन लोग ये एरोप्लेन को आइडिया कहाँ से मिला मालूम है, एक कबूतर से मिला है। एरोप्लेन जो हवाई जहाज का दो पंख में क्या होता है मालूम है, क्या है उनका इंजन, उनका टर्बाइन, उनका इंजन वो उनका दोनों पंख में है। तो ये जो कबूतर उड़ के आएंगे, कबूतर पंख उड़ाएगा मतलब यही है पिता पुत्र, उसका दोनों पंख उनका इंजन है। कबूतर को उड़ने के लिए जो शक्ति कहां से मिलता है, उनका पंख से मिलता है। वो पंख में क्या है, पंख सही है ना, वो पंख में क्या है, इंजन है उनका, मशीन जो उड़ने का, वो कौन है, पिता और पुत्र। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि पवित्र त्रिएक ईश्वर प्रेम पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के साथ एकमत है, उससे अलग नहीं कर सकता। आओ पवित्र आत्मा आएगा, कौन कौन आएगा कौन कौन आएगा, सिर्फ पवित्र आत्मा नहीं आ सकता। पवित्र आत्मा आओ बोलेगा तो कौन कौन आएगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आएगा। पवित्र आत्मा पिता और पुत्र को लेके हमारे पास आएगा। वैसे ही पिता, हे पिता तू मेरे हृदय में है, हाँ बेटा, और मैं अकेले नहीं, मेरे साथ मेरा पुत्र और पवित्र आत्मा भी है, मैं अकेला कहीं नहीं जा सकता। और पुत्र
हे प्रभु यीशु, आओ। हाँ तुरंत आ जाता हूं, मैं अकेले नहीं, पिता और पवित्र आत्मा के साथ। लेकिन हर एक को एक एक डिपार्टमेंट है। पुत्र हमें मुक्ति देता है, पवित्र आत्मा हमें प्यार से भर देता है, पवित्र आत्मा ज्ञान से भर देता है, पवित्र आत्मा ईश्वर के बारे में सब कुछ सिखाता है। पवित्र आत्मा हमारा जीवन को पवित्र बनाता है, पवित्र आत्मा हमारा जीवन को संचालन करता है। बहुत 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 काम करता है। ईसाई मतलब, एक विश्वासी मतलब, पवित्र आत्मा से संचालित व्यक्ति है। देखो वचन आता है, वचन लूक 12:12, अभी पवित्र आत्मा मुझसे संचालन करता है। पवित्र आत्मा मुझसे कहता है, अभी ये बताओ लूकस का सुसमाचार 12:12 क्या बोलता है। लूकस 12:12 में किसी के पास बाइबल है तो आप पढ़िए, जिसको मिलता है वो जल्दी पढ़ सकता है। लूकस का सुसमाचार 12:12 में क्या लिखा है। हाँ, सब लोग एक साथ बोलिए, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम क्या क्या कहना चाहिए। देखो मैं सुबह से शाम तक कितना भी गंदा मैं भाषण दे सकता है, मुझे कोई नोट नहीं लेता है। मेरे पास कोई भी कागज नहीं ये लिखा हुआ, ये क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा उस समय मेरे हृदय में बताएंगा, ये बताओ करके। अच्छा, अभी सबसे पहले हमें ये विश्वास होना चाहिए पवित्र आत्मा आग है, पानी है, शक्ति है, लेकिन वो सब के अलावा पवित्र आत्मा पवित्र त्रिएक ईश्वर का एक व्यक्ति है, पवित्र तत्व का ईश्वरीय व्यक्ति है। ये विश्वास करेगा तभी हमारे हृदय पर बहुत बड़ा एक ताकत मिलेगा, ताकत ताकत ताकत। पवित्र आत्मा पवित्र त्रिएक ईश्वर के साथ जोड़ा हुआ ईश्वरीय व्यक्ति है, ईश्वरीय व्यक्ति। और वो ईश्वरीय व्यक्ति बपतिस्मा के समय पर पहले हमारे जीवन पर हमारे आत्मा में पिता और पुत्र का ज्ञान और उसका प्रेम, उसका बारे में जो कुछ भी जानकारी पवित्र आत्मा हमें देता है। ये सब मैं बोलता है, ये सब एक किताब में लिखा हुआ चीज है, एक किताब में लिखा हुआ है। मेरा वाइफ बुलाया है। मुझे मेरे जिंदगी में मुझे बहुत अच्छा अनुभव पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है, बहुत अच्छा अनुभव। और सबसे परेशानी यह था, मैं बोलता है कि परेशानी, आप लोगों को भी एक परेशानी होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा प्रभु ईसा मसीह से प्रार्थना करता है, हे प्रभु ईसा मसीह मेरा प्रार्थना सुनो, और हम लोग हे पिता हमारे प्रार्थना सुनो। लेकिन मुझे ऐसा हुआ कि
एकदम तुरंत मैं पवित्रात्मा से प्रार्थना करने चालू किया। उसी वक्त मुझे एक तकलीफ हुआ, अरे अभी पिता और पुत्र क्या सोचेगा। मैं इतना दिन पिता से प्रार्थना करने लगा कर रहा था और पुत्र से प्रार्थना करता था, लेकिन मैं पवित्रा से डायरेक्ट प्रार्थना करने लगा तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और पिता और पुत्र भी बहुत खुश हो गया। लेकिन मुझे एक तकलीफ लगा कि अभी वो लोग क्या सोचेगा। लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे मालूम पड़ा यही सच्चा प्रार्थना है। आज का मिसा में जो पाठ था संत योहन का सुसमाचार चारवा अध्याय में, जो समारी स्त्री के साथ प्रभु यीशु ने जो कुछ भी सिखाया, उस वक्त समारी स्त्री ने पूछा सचमुच में ईश्वर का आराधना कहाँ होता है। आप लोग बोलता है यरूशलेम में, हमारे लोग बोलता है कि पहाड़ी में। तो प्रभु ने कहा कौन सा भजन है, लोहन का सुसमाचार अध्याय चार, तुम लोग मिला। ईसा ने उससे कहा, नारी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह समय आ रहा है जब तुम लोग न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करेंगे और न यरूशलेम में। तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते, हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं। देखो सब लोग हाथ उठाते हुए, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है, परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गए हैं, गया है, जब सच्चे आराधक, सब लोग ऊंची आवाज से, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। अभी एक गीत यहां पर आराधना का गीत जो गाते हैं, आराधना आरा, वो भी मेरा लिखा हुआ गीत है। वो इसलिए लिखा ये वचन के वजह से, सच्चा आराधक पवित्र आत्मा को आराधना करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने लिखा है जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। तो मुझे इतना आनंद और शक्ति मिला है, और मेरा एक वचन जो कई बार मैंने कहा था, रोमियो का नाम पत्र 8:11, रोमियो का नाम पत्र 8:11, वो सब लोग ऊंची आवाज से दोहराना चाहिए। वो कल हमारा मिसा में वो वचन था, वो पवित्र आत्मा के बारे में बहुत अच्छा एक अनुभव है ये वचन के द्वारा।
जिसने ईसा के मृतकों में से जिलाया, बोलिए, जिसने ईसा को सब लोग हाथ उठाते हुए, जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, वो अपनी आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। देखो, हम सोचता होगा, देखो ये बिंदी उपवास के बाद मैं एक अच्छा मनुष्य बनेगा, मैं अच्छा अच्छा काम करेगा, मैं यहाँ पर साक्ष्य देगा, नहीं तो दूसरे के लिए भलाई करेगा, अच्छा चीज करेगा। सिर्फ वो नहीं है, उतना से नहीं, हम एक पवित्र आत्मा द्वारा एक नया मनुष्य हो जाता है। नया मनुष्य, पवित्र आत्मा हमारे जीवन को एक दूसरा इंसान बनाएगा। इसीलिए संत कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 5:17 में लिखा है, पहला पत्र दूसरा पत्र अध्याय 5:17 में लिखा है, जो भी कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अरे दूसरा कहा है, दूसरा पत्र 5:17 में लिखा है, इसका अर्थ यही है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, नई सृष्टि बन गया है। तो यीशु के साथ एक बन गया मतलब यीशु का पुनरुत्थान के साथ एक बन जाता है, वो पुनरुत्थित प्रभु, पुनरुत्थान के शक्ति जो पवित्र आत्मा द्वारा हमारा जीवन को एकदम एक नई सृष्टि बनाता है, नई सृष्टि बनाता है, तब हमारा ये पुनरुत्थान गीत का अर्थ समझ में आएगा। वो क्या है, तू ही देता स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं, यीशु मसीहा सबको प्रभु जी जयगान गाते हैं। क्यों क्या विषय है, तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। ये पवित्र आत्मा का वजह से है, पवित्र आत्मा हमारा जीवन पर आने से प्रभु यीशु का पुनरुत्थित अवस्था को हमारे जीवन पर देता है। इसीलिए उसके बाद का प्रार्थना आप गहराई से ध्यान से रोज का मिसा में पढ़ना चाहिए, हे प्रभु वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है, वास्तव में सचमुच में सत्य में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है। ये कैसे का होता है, ये कैसे होता है पुनर्जीवन, क्या हमारा काम से हो सकता, क्या हमारा कोई शक्ति से हो सकता, क्या सब लोग नहीं तो कोई लोग बोलता है कि तुम इतना इतना करो, तुम
ऐसा प्रार्थना करो, ऐसा प्रार्थना करो, ऐसा प्रार्थना करो, ये सब करेगा तो तुम्हारा जीवन पर कुछ अच्छा होगा, शायद होगा, लेकिन अच्छा कौन कराने वाला है हमारे जीवन में? अच्छाई कराने वाला कौन है? इंसान है ना भगवान है, ईश्वर है? प्रभु ने कहा जो मुझ में विश्वास करता है, हमारे यही होना चाहिए, हम विश्वास करना चाहिए। क्या विश्वास करना चाहिए? हे प्रभु मुझसे कुछ नहीं होगा मुझसे कुछ नहीं होगा, परंतु मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जो प्रभु का मृतक शरीर को जिलाया, वही पवित्र आत्मा मुझ में निवास है। जो प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु यीशु का मृतक शरीरों को जिलाया, नया जीवन दिया। सोचो प्रभु को लोग मार डाला और दफनाया, प्रभु ऐसा मरा हुआ पड़ा है। अगर एक व्यक्ति मरा हुआ होने से वो वही जगह पर है, उसको दूसरा कुछ शक्ति कहीं नहीं जा सकता, वो वही जगह पर है। लेकिन उस व्यक्ति जो वही जगह पर, वो व्यक्ति सब मरा हुआ लोगों के साथ मिला और मृतकों में से प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया। किसका काम था वो? पवित्र आत्मा के द्वारा। आप ये विश्वास करने का कोशिश करो, वही पवित्र आत्मा हमारे हृदय पर निवास है। रोमियो 8:11, जो पवित्र आत्मा, जो आत्मा प्रभु ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, अगर वो आत्मा तुम्हें निवास करता है तो क्यों मैं ऐसा पूछा है, क्यों मैं ऐसा बोलता है कि कोई विश्वास नहीं करता है ये विश्वास करना चाहिए ना। हम लोग सोचता है कि पवित्र आत्मा कबूतर है, पवित्र आत्मा आग है, पवित्र आत्मा पानी है, पवित्र आत्मा शक्ति है। नहीं, पवित्र आत्मा ईश्वरीय व्यक्ति है जो मरा हुआ प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया, और उस पुनर्जीवित प्रभु यीशु हर इंसान को पुनर्जीवन करने वाला है। हर इंसान मरेगा, दफनाएगा, वो मट्टी में मिलेगा, लेकिन मट्टी में मिला हुआ अवस्था से उसको पुनरुज्जीवित करते हुए स्वर्ग में पिता परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु का शरीर, जैसे महत्वपूर्ण शरीर होता है वैसे ही हमारा शरीर होगा। हालेलुया। वही है संसार का अंत। मतलब संसार का अंत में प्रभु दोबारा आने वाला है। आने वाले से क्या होगा? हम लोग बहुत सारा वीडियो सुनता है, देखता है कि सब खतरनाक बोल के, लेकिन कलेसिया का सिखाया सीखना पड़ना चाहिए। कलेसिया हमें पढ़ाता है प्रभु दोबारा आते वक्त समस्त मनुष्य जी उड़ेगा, और जी उड़ा हुआ लोग प्रभु के साथ, प्रभु के साथ। देखो हमारा 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 मिसा बलिदान का आशीर अंतिम विधि में, अंतिम विधि का अंतिम गीत देखो, प्रभु वर हमको योग्यता दे, प्रभुवर हमको योग्यता दे, तेरे शेरे सामुख, तेरे तेरे सामुख आने दे, स्वर्ग यरूशलेम पाने दे। स्वर्ग यरूशलेम मतलब नया यरूशलेम
वो उसका बात समझना चाहिए। हम आज मिसा में स्वीकार किया हुआ प्रभु यीशु हमारे लिए गारंटी है, गारंटी है कि जो मेरा शरीर खाएगा, मेरा रक्त पिएगा, मेरे आत्मा से पूरित होगा, वो अंतिम दिन पर मुझे मेरे साथ रहेगा, स्वर्ग यरूशलेम पाने दे, दूतों के संग गाने दे, सब देवदूतों के साथ हम लोग भी देवदूतों के साथ प्रभु यीशु के साथ महत्वीकृत अवस्था में जिएगा। मैं सचमुच विश्वास करता है। आप विश्वास करता है क्या? आप सोचता है कि क्या मालूम स्वर्ग जाएगा क्या ना नरक जाएगा? देखो यही सोचता है, देखो मैं बहुत पापी है, मैं स्वर्ग नहीं जाएगा, ऐसा आप सोचेगा तो आपको कोई शांति नहीं मिलेगा। प्रभु कहता है कि तुम हमेशा दृढ़ विश्वास करो, प्रतीक्षा करो। देखो हम पवित्र आत्मा का आगमन के लिए प्रार्थना करते वक्त क्या प्रार्थना करता है, हे प्रभु पवित्र आत्मा को बरसाइए, अंतिम अधिवेशन पवित्र आत्मा का आगमन का प्रार्थना हम करता है, उस वक्त क्या प्रार्थना करता है, अर्पण इसका ये माफ करना मुझे ये थोड़ा सा समय लगता है सब हमारे, हाँ मिल गया। हे प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का आगमन हो, मैंने वह तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और उसे अनुग्रहित और पवित्र करे। ये क्या एक लिखित है क्या? एक सचमुच में मिसा बलिदान पर यही होता है, पवित्र आत्मा उतर आता है और हमारा हृदय और मन और शरीर को पवित्र करता है। ये आप यकीन होना चाहिए, उस वक्त विश्वास होना चाहिए, हे प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा। उसके बाद क्या लिखा है आपको याद है क्या? बोलिए उसके बाद क्या लिखा है। हम ये सब श्रद्धा नहीं रखता है, फादर जी प्रार्थना करता है करने दो, ये बात एकदम श्रद्धा से प्रार्थना करना चाहिए, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। मुझे मालूम नहीं, मुझे मैं रोज इस समय सचमुच मैं उस समय विश्वास करता है, प्रभु सचमुच मैं स्वर्ग में तुम्हारे साथ होगा, मेरा शरीर पुनरुत्थान करते हुए तुम्हारे साथ होगा, हे पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं। मैं उस समय पर अगर मैं हृदय पर उतना जोर से उस समय पर प्रार्थना करता है, मैं जरूर अंतिम दिन पर पुनरुत्थान का समय मैं जरूर पुनरुद्धित होते तुम्हारे साथ होगा। दृढ़ विश्वास, दृढ़ आशा ये कौन देता है? वो सब कौन देता है? पवित्र आत्मा। मालूम नहीं
क्या हमारा जिंदगी कैसे जिएगा, कैसे मरेगा, मरने के बाद क्या होगा, यही हमारा हालत है। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा जीवन से संचालन नहीं करता है। दूसरा लोग जो कुछ भी बोलता है वो सुनता है, कलेसिया जो बोलता है, पवित्र मिसा का प्रार्थना सबसे बड़ा प्रार्थना है। उसमें एक एक वचन जो कलेसिया का शुरू से अभी तक यही है। और प्रभु यीशु ने क्या कहा, प्रभु यीशु ने कहा मरने के पहले दो तीन खास बात प्रभु ने कहा। पवित्र आत्मा हमको मिलने के लिए प्रभु ने क्या किया मालूम है, योहन का सुसमाचार अध्याय सोलह योहन का सुसमाचार अध्याय सोलह में आठ नहीं तो सात और आठ में लिखा है, मैं जाना जरूरी है, मैं जाएगा तो भी वो आएगा। मैंने तुमसे एक कहा है इसलिए कि तुम्हारा हृदय शोक दुख से भरे हैं, फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। देखो पवित्र आत्मा हमको मुफ्त में मिलता है, हम लोग कुछ देना नहीं पड़ता है, लेकिन कोई उसके लिए कुछ दिया है। कौन दिया है? प्रभु ईसा मसीह उनका जान दिया है। प्रभु ईसा मसीह उनका जान देने के बाद हमें पवित्र आत्मा मिला है। इसलिए कहता है कि मैं जाना जरूरी है, मैं जाएगा तो ही वह आएगा। मैं जाना जरूरी है। जॉन पॉल योहन पावलोस का बहुत सारा पत्र है, उसमें लिखा है पवित्र आत्मा प्रभु ईसा मसीह का आत्मत्याग के साथ जोड़ा हुआ है। प्रभु ईसा मसीह आत्मत्याग किया तब हमें पवित्र आत्मा मिला है। आत्मत्याग और पवित्र आत्मा सबसे पहले हमें प्रेम से और ईश्वर का मुक्ति से भरतर नया जीवन देता है। जीवन दादा ये जीवन दादा बल्कि पवित्र आत्मा को मनन करेगा तो सबसे पहला पवित्र आत्मा किसका जीवन में काम किया है। हम लोग विश्वास मंत्र में बोलता है कि कुमारी मरियम के द्वारा प्रभु ईसा मसीह पवित्र आत्मा का द्वारा कुमारी मरियम से शरीर धारण किया। पवित्र आत्मा पर विश्वास करने के बारे में नहीं बोलने के पहले प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करने के बारे में बोलते वक्त हमें पवित्र आत्मा का नाम उठाना पड़ता है। पवित्र आत्मा प्रभु ईसा मसीह को ईश्वर के पुत्र को इंसान बनाने में पवित्र आत्मा ही काम किया है। गैब्रियल देवदूत ने माता मरियम के पास आके कहा, प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, प्रभु तुम्हारे साथ है, तुम गर्भवती होने वाला है, हैं? और तुम एक बच्चा को जन्म देगा, उसको तुम ईसा बोलेगा,
उसको ईसा नाम डालेगा, वो सब बताया। तो तुरंत माता मरियम पूछा, ये कैसे होगा, मैं एक व्यक्ति को, मैं एक पुरुष को नहीं जानता है, मतलब मुझे एक व्यक्ति को नहीं जानता है, मतलब मैं एक व्यक्ति के साथ सोया नहीं है, मैं एक व्यक्ति के साथ बंध संबंध में नहीं है। तब तुरंत गैब्रियल दूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा, उसके द्वारा तुम गर्भवती होगा। देखो संत योहन पौलुस ने कहा है, उसी वक्त माता मरियम का हृदय पर गहराई से ये बात हुआ, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा मैं गर्भवती होगा। ये विश्वास होने के लिए कोई तकलीफ है क्या? कुछ तकलीफ नहीं है ना, रोज हम लोग प्रार्थना करता है, रोज हमारे सब प्रार्थना में हमें प्रार्थना होता है, पवित्र आत्मा द्वारा कुंवारी मरियम गर्भवती हो गया। तो पवित्र आत्मा अगर कोई शक्ति है क्या, आग है क्या, पानी है क्या, न ईश्वरीय व्यक्ति है। तो पवित्र आत्मा ईश्वरीय व्यक्ति और जीवन ज्यादा, विश्वास मंत्र में कौन है पवित्र आत्मा, जीवन दादा। सबसे पहला किसका जीवन दादा बना, पुत्र, पुत्र को इंसान बनाने के लिए ईसा मसीह को जीवन दादा बनाया, ईसा मसीह को मनुष्य बनाने में प्रभु पवित्र आत्मा जीवन दादा बना। ये सब कलेसिया का सिखाना है, कलेसिया सिखाता है। पवित्र आत्मा सबसे पहले किसका जीवन दादा बना, किसका जीवन दादा बना, पवित्र आत्मा ईसा मसीह का जीवन दादा बना। ईसा मसीह वजन मात्र था, वजन के रूप में पिता के साथ था, लेकिन वो शरीर ग्रहण करने में पवित्र आत्मा काम किया। तो उसी से हम देखना चाहिए, हमारे पुराना वेद स्थान पर, मतलब नबियों का धर्म ग्रंथ के पुराना नियम पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा पवित्र आत्मा एक नारी पर आएगा करके। ये भी संत योहन जॉन पॉल का कहना है। सब प्रवाचक नबियों ने लिखा है कि पवित्र आत्मा उसमें आएगा, उसमें, उसमें मतलब प्रभु ईसा मसीह में आएगा, लेकिन नया वेद स्थान पर मत्ती का सुसमाचार, लूकस का सुसमाचार में पहला अध्याय पर यही सत्य लिखा है कि पवित्र आत्मा एक नारी पर आएगा, आया एक स्त्री पर आया है ना। मत्ती का सुसमाचार में मत्ती अध्याय एक अठारह से लेके ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, उनकी माता मरियम की मांगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने के पहले ही मरियम, देखो सब लोग हाथ उड़ाते हुए दोहराइए, मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। देखो जीवन दादा, पवित्र आत्मा जीवन दादा, किसका जीवन दादा किया, कुआरी मरियम में
मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी। तो मत्ती के सुसमाचार में पहले अध्याय में पवित्र आत्मा मरियम में आया और प्रभु ईसा मसीह को जन्म दिया, और वही बात लूकस का सुसमाचार में, लूकस का सुसमाचार में पहला अध्याय पर, पहला अध्याय पर मरियम उन दिनों, ना उसके पहले छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नासरत नामक नगर पर एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मांगने दाऊद की घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुए थे, और उस कुमारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उससे यह उसके यहाँ उसके यहाँ आदर और खर उससे कहा, आदर प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। यह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचते रहे कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, मरियम ठहरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है, देखिए आप गर्भवती होगी। एकदम शॉक हो गया, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगा और उनका नाम ईसा रखेंगी, वे महान होंगे और सच्चा प्रभु की पुत्र कहलाएंगे, प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा, वे याकूब की घराने पर सदा सर्वदा राज करेगा और उसके राज का अंत नहीं होता है होगा। पर मरियम से स्वर्गदूत से कहा, मरियम स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष के संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होगे वही पवित्र होगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखो अभी इतना ही समझ लो, बाकी हम दूसरा कई दिन बताएंगे पवित्र आत्मा के बारे में। नया विधान का पहला अध्याय में, मत्ती का और लूकस का पहला अध्याय में मरियम में पवित्र आत्मा आकर इतना महान कार्य करेगा कि प्रभु ईसा मसीह को जन्म देने में जीवन दादा बनेगा। ये सब कलेसिया का सिगावत में है, तो मन में थोड़ा हृदय पर विश्वास कीजिए, पवित्र आत्मा कितना महान है, कितना बड़ा कार्य करने वाला है। पवित्र आत्मा कुवारी मरियम का गर्भ में ईसा मसीह को जन्म देने में जीवन दादा का काम किया। पवित्र आत्मा प्रभु ईसा मसीह को बाप्तिस्मा का समय पर उसमें उतराया और उसके सब वरदानों से भर दिया, उन्होंने ईश्वर का राज का घोषणा चालू किया। प्रभु ने कहा, प्रभु की आत्मा मुझ पर छाया रहता है, वो मुझे अभिषेक किया कि सुसमाचार का
घोषणा करने के लिए और ईश्वर के राज को बढ़ाने के लिए। वही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु बलि चढ़ाते वक्त उन्होंने इतना ताकत दिया कि मरने के पहले प्रभु ने ये कहा, वो लोग मुझे मार डालेगा लेकिन मैं जी उठूंगा तीसरा दिवस। और प्रभु यीशु को वो मार डाला और मरा हुआ उधर पड़ा है, वो मरा हुआ प्रभु को दफनाया और पवित्र आत्मा उस प्रभु यीशु को आदम से लेके सब मरा हुआ लोगों के साथ एकत कर दिया। उसके बाद उन लोगों से पवित्र आत्मा उनको नया जीवन दिया। तीसरा दिवस हल्लेलुया, प्रभु ईसा मसीह पुनर्जीवित होकर आ गया। आके सबसे पहले शिष्यगणों के पास आया, उन लोग कमरे बंद करते हुए खड़े हैं, बंद किया हुआ कमरे के अंदर है। उस कमरे के अंदर दरवाजा नहीं खुला, प्रभु अंदर आ गया। उन लोग डर के मारे दरवाजा बंद करके खड़ा है। सब अपोसल्स छेला लोग घूंगी, प्रभु यीशु को मार डाला। वो लोग ढूंढता है पेत्रुस को सब मारने के लिए, तो उसके बीच में एक आदमी आके खड़ा है और पेत्रुस पूछा, रहे कौन दरवाजा खुला? नहीं मैं नहीं खुला। अरे पर कैसे आ गया? यही पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा को आने के लिए दरवाजा खोलने का जरूरत नहीं, पुनरुद्धित प्रभु आने के लिए दरवाजा खोलने का जरूरत नहीं। मुझे याद है पहले मैं ये बिंदी उपवास के लिए लोगों को निमंत्रण करता तो बोलेगा, वो लोग बोलेगा ब्रदर जी हम लोग आएगा तो चंगाई होगा क्या? तो पहले मैं बोलता था विश्वास होगा तो चंगाई होगा, लेकिन बाद में मेरा कहना बदल दिया। ये बात समझने के बाद जरूर चंगाई होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु बंद हुआ कमरे पर आ गया। अगर तुम्हारा हृदय बंद है कोई बात नहीं, प्रभु का आशीष तुमको मिलेगा। मुझे विश्वास है मेरे प्रार्थना द्वारा, कलेसिया का प्रार्थना द्वारा, प्रभु ईसा मसीह का प्रार्थना द्वारा, पवित्र आत्मा का कार्य द्वारा तुम्हारा चंगाई होगा। हम वो समझ सोचो, अरे वो तो हृदय घूला नहीं है, उसको दिलचस्पी नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगता है, वो कोई जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा द्वारा मरा हुआ प्रभु को पवित्र आत्मा जी उड़ाया, तो हमारे अंदर कोई भी मरा हुआ जैसा हो तब भी पवित्र आत्मा हमको नए जीवन देगा। चलिए अभी हम स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु हालेलुया हालेलुया, हमारे जीवन दादा है। हे प्रभु तू जीवन दादा है, सब लोग बोलिए, हे पवित्र आत्मा तू जीवन दादा है। हे पवित्र आत्मा मुझे नया जीवन दीजिए, मुझे नया जीवन दीजिए, मेरा जीवन को नया बनाइए, मेरा जीवन में प्रभु का पुनरुत्थान का शक्ति को अनुभव दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ अंतिम दिन में प्रभु पुनर्जीवित होकर आते वक्त मैं भी आपको स्वागत करेगा, मैं आपके साथ रहूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया, सब लोग ऊंची आवाज से स्तुति करते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। अभी हम आराधना करने के लिए तैयार